बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के आज राजद के द्वारा राजभवन मार्च राजद कार्यालय से निकाला गया है। लेकिन देखिए, यह इनकम टैक्स चौराहा है, जहां पे एक तरफ प्रशासन तैयार है बैरिकेडिंग लगा करके, तो वहीं दूसरी तरफ राजद के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो हल्ला बोल रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तैनाती में है। देखिए, यहाँ पे महिला कॉन्स्टेबल हैं, महिला SI हैं और तमाम जो पुलिस फोर्स हैं वो तैनात किए गए हैं, तो तमाम मर्दी में लोग तैयार हैं। यहाँ पे देखिए, अधिकारी रैंक के भी तमाम जो है वो पहुँचे हुए हैं। अगर बैरिकेडिंग तोड़ा जाता है तो कभी भी लाठी चार्ज हो सकती है। देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं सबसे पहले, जहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह की है। एक तरफ बैरिकेडिंग, एक तरफ प्रशासन और दूसरे तरफ राजद के कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ और कह रहे हैं कि बिहार इनसे संभल नहीं रहा है, बिहार में आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ना महिला सुरक्षित है और ना ही जो है यहाँ पे बच्ची सुरक्षित है, ना ही व्यापारी सुरक्षित है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें गद्दी छोड़ देना चाहिए। लेकिन देखिए, बैरिकेडिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और तमाम जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से तैनात हैं, लेकिन कार्यकर्ता भी वो अड़े हुए हैं और यहाँ से आगे जाने की कोशिश है। वो राजभवन मार्च करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इनकम टैक्स गोलंबर पे रोक दिया है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरीका से वो तैनात है कि जैसे ही राजद के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, फिर जो है वो लाठी बरसेगी। देखना दिलचस्प रहता है आखिर क्या होता है। लेकिन राजद का ये हल्ला बोल और राजभवन मार्च की तस्वीर देख सकते हैं किस तरीका से बैरिकेडिंग के पास हैं और तमाम प्रशासन भी यहां पे तैनात है कि किसी भी हाल में इन्हें राजभवन जाने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए राजभवन के तरफ आगे बढ़ने नहीं देना है। एक तरफ प्रशासन तैनात है तो दूसरी तरफ राजद के कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं कि यहां से आगे तो जाना है। अब देखना होगा कि राजद के कार्यकर्ता आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, या फिर जो है यहीं पे लाठी चार्ज होता है। देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर आगे क्या होता है, क्या होगा, प्रशासन जो है फिर से राजद के कार्यकर्ताओं पे जो है वो लाठी बरसाएगी, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं या लालू के हनुमान कहे जाने वाले, वो तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और कह रहे लाठी खाने को तैयार हैं। लेकिन बिहार में जो आपराधिक घटनाएँ हो रही है उस पर कंट्रोल कम से कम पाया जा सके। लेकिन कुछ लोगों का कहना है जितना प्रशासन यहाँ तैनात करके रखे हैं विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, उतना प्रशासन अगर बिहार में अपराध को कंट्रोल करने में लगा देते तो बिहार में आपराधिक घटनाएं होती नहीं। लेकिन इस भीड़ को आप देख सकते हैं कि किस तरीका से हल्ला बोल रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो दूसरी तरफ खड़ा है और एक तरफ प्रशासन तैनात है, महिला कॉन्स्टेबल हो या पुरुष कॉन्स्टेबल, तमाम लोगों की तैनाती है। देख सकते हैं तमाम इधर SI हैं, बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं और लाठी डंडे लेकर के इधर से भी तैयारी पूरी है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।